सैमसंग की एस सीरीज के सभी फोन आज भारत में लॉन्च हो गए हैं एंड दिस इज हाउ द फोन्स लुक लाइक. I'll tell you about all the three phones in this story. आप देख रहे हैं टेक तक, मैं हूँ श्रुति शर्मा. सैमसंग का अनपैक्ड इवेंट जो हुआ उसके बाद अब भारत में सैमसंग ने एस सीरीज के अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स लॉन्च कर दिए हैं. तीन हैंडसेट्स लॉन्च हुए हैं, गैलेक्सी S10, गैलेक्सी S10 प्लस और गैलेक्सी S10e. इसके साथ ही सैमसंग ने गैलेक्सी बड्स और स्मार्ट वॉच भी लॉन्च करी है. उन दोनों का वीडियो हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो के बाद, लेकिन सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं एस सीरीज के फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स गैलेक्सी S10, S10 प्लस और S10e. आपको बता दें कि गैलेक्सी S10 में जो है 6.1 इंच स्क्रीन साइज दिया गया है विद QHD प्लस इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले. वहीं आप देख सकते हैं कि इसको डायनेमिक एमोलेड कहा गया है स्क्रीन को, क्योंकि ये HDR10 प्लस सपोर्ट करता है और पूरी जो ग्लास है सामने की वो गोरिल्ला ग्लास 6 से प्रोटेक्टेड है. गैलेक्सी S10 में आपको दिया गया है एक्सिनॉस 9820 प्रोसेसर और इसमें 8GB की रैम दी गई है. इसको दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है, 128GB और 512GB में, जो कि दोनों की स्टोरेज एक्सपैंड की जा सकती है. वही गैलेक्सी S10 में पीछे की तरफ तीन कैमरा दिए गए हैं. आप देख सकते हैं ये अलाइंड है हॉरिजॉन्टली और इसमें 12 मेगापिक्सल प्लस 12 और 16 मेगापिक्सल का कॉम्बिनेशन है, जो कि वाइड एंगल टेलीफोटो और अल्ट्रा वाइड लेंस का काम करता है. वही S10 में है फ्रंट में 10 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा. इसमें है 3.5mm हेडफोन जैक, USB Type-C पोर्ट और वायरलेस चार्जिंग भी इसमें दी गई है और ये सपोर्ट करता है रिवर्स चार्जिंग भी, यानी आप इससे अपने बाकी जो डिवाइसेस हैं विच आर कंपैटिबल विद S10 चार्ज कर सकते हैं सिर्फ इस पर रख कर. 3400mAh की बैटरी इसमें दी गई है विद एन अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, यानी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर इसकी स्क्रीन में ही दिया गया है सामने और ये चलता है एंड्रॉइड 9 पे. इसमें दिया है सैमसंग का UI आउट ऑफ द बॉक्स. और यहाँ पर बताएं सैमसंग S10 512GB की वेरिएंट की कीमत है 84,900 और ये आपको प्रिज्म वाइट कलर में मिलेगा. वहीं 128GB वेरिएंट की कीमत है 66,900 जो आपको प्रिज्म ब्लैक, प्रिज्म वाइट और प्रिज्म ब्लू रंग में मिलेगा. और S10 के बाद ये है S10 प्लस जो कि लार्जर वर्जन है S10 का और इन तीनों फ्लैगशिप में सबसे महंगा फ़ोन है और सबसे बेहतरीन फ़ोन है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स एंड डिज़ाइन. 6.4 इंचेस इसकी स्क्रीन है और ये भी HDR10 प्लस सपोर्ट करता है. प्रोसेसर इसमें S10 वाला ही है, इसमें दिया है एक्सिनॉस 9820 और ये दो कॉन्फ़िगरेशन में आता है, 8GB रैम और 12GB रैम. और वहीं इंटरनल स्टोरेज के ऑप्शन है 128GB, 512GB और 1TB जो कि सारे एक्सपेंडेबल हैं. वहीं S10 प्लस में आता है सेम कैमरा एज दैट यू गेट ऑन द S10 जो कि 12 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल प्लस 16 मेगापिक्सल का कॉन्फ़िगरेशन है. वहीं फ्रंट कैमरा है वो है 10 मेगा प्लस 8 मेगापिक्सल का, यानी फ्रंट कैमरा S10 प्लस में डुअल कैमरा है जो कि S10 में सिंगल है और S10e में भी सिंगल कैमरा दिया गया है. और वहीं इसमें 4100mAh की बैटरी है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है विद वायरलेस चार्जिंग. ऑल्सो आपको बता दें कि ये स्पेशल सेरेमिक फिनिश वर्जन में भी आ रहा है जिसमें 8GB रैम और 512GB स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन है. S10 प्लस की कीमत की बात करें तो तीन वर्जन में जैसा आपको बताया है लॉन्च हुआ है, तो 1TB की कीमत है 1,17,900 रुपये यानी 1,17,900. वहीं 512GB वेरिएंट की कीमत है 91,900 और 128GB वेरिएंट की कीमत है 73,900. और आपको बता दें कि S10 प्लस की अनबॉक्सिंग हमने कर रखी है और अगर आप देखना चाहते हैं उसको तो आप लिंक है अभी फ्लैश हो रहा है उस पर क्लिक कर सकते हैं. और ये है सबसे छोटा वर्जन इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन साइज, स्लाइटली कॉम्पैक्ट है ये S10 से. S10 जो है उससे छोटी स्क्रीन है इसकी एंड दैट्स हाउ यू कैन डिफरेंशिएट ऑल्सो. सैमसंग गैलेक्सी S10e में दिया है 5.8 इंचेस इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले. वहीं इसमें 6GB और 8GB रैम के मॉडल हैं और इसमें एक्सिनॉस 9820 प्रोसेसर दिया गया है. इसमें ट्रिपल कैमरा नहीं है, 12 मेगापिक्सल और 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है. वहीं फ्रंट में है इसके 10 मेगापिक्सल
पिक्सल का कैमरा, और आपको बता दें कि ये 128 GB और 512 GB वेरिएंट में ही मिलेगा, जिसको आप एक्सपैंड कर सकते हैं माइक्रो SD कार्ड के जरिए। वहीं एक रेगुलर कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट सेंसर आता है जो कि साइड में दिया गया है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है इसमें, अनलाइक S10 प्लस और S10। तो S10e में साइड में आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, और इसमें बैटरी है 3100 mAh की।